दोस्तों इस वीडियो में हम वन पंच मैन मांगा के चैप्टर 163 और 164 का रिव्यू करने वाले हैं, जिसका टाइटल है टफर देन माउंटेन और द एबोमिनल फिस्ट दैट टर्न्ड अगेंस्ट गॉड। और अगर आपने इससे पहले वाले चैप्टर्स नहीं देखे तो उसकी प्लेलिस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे रखी है, तो आप वहां पर जाकर देख सकते हो। तो जैसा कि पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि पहले गारो और साइतामा एक दूसरे से बात करते हैं, लेकिन साइतामा के एक पंच के कारण गारो को सब कुछ याद आ जाता है और वो साइतामा के साथ फाइट स्टार्ट कर डालता है। उसके बाद गारो को टेरियो मिलता है और टेरियो गारो को समझा ताकि वो बुरा ना बने, लेकिन वहां पर साइतामा आ जाता है और गारो वापस अटैक करता, लेकिन साइतामा वापस भारी पड़ता और टेरियो को बोलता मैं गारो को संभाल लूंगा। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम गारो को देखते हैं जो पीछे की तरफ जा रहा होता और सोचता है मेरा मॉन्स्टरिफिकेशन बढ़ता जा रहा है और मैं ये भी कह सकता हूं इससे मेरी पावर और भी बढ़ रही है, लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता मैं उसकी पावर को मैच कर पा रहा हूं। तभी वहां पर साइतामा आ जाता और बोलता आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, जब तुम हीरो हंटिंग करते थे तब मुझे ऐसा लगता था कि तुम्हें हीरो से कोई नफरत होगी, लेकिन अचानक तुमने हीरोज के साथ काम करना शुरू कर दिया, जैसे तुमने उस सेंटीपीड को हराकर बाकी लोगों की जान बचाई। अगर तुम्हें इसी तरह के भलाई के काम करने तो तुम डायरेक्ट हीरो क्यों नहीं बन जाते, भला मॉन्स्टर की तरह नाटक करने से तुम्हें क्या मिलेगा। तो गारो बोलता चुप हो जाओ, और पहली बात मैंने कब हीरोज की मदद की, अगर तुम उस मोटी बुद्धि वाले इंसान की बात कर रहे हो तो वहां पर गलती से आ गया था और मैं तो सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रहा था, और अगर मुझे ऐसे ही अकेले आगे बढ़ना है तो मुझे अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करना होगा, नहीं तो मैं अपने गोल तक कभी नहीं पहुंच पाऊंगा। तो साइतामा बोलता तुम्हारा गोल, अरे हाँ वही कुछ एब्सोल्यूट एविल जैसा और दुनिया में शांति वांति वगैरह वगैरह। तो गारो बोलता तुम क्या बकवास कर रहे हो। तो साइतामा बोलता सच बताऊं गारो, तुम तो उस टाइप के बंदे हो कि एक रोते हुए बच्चे को तुम्हें समझाना पड़ रहा है कि सब कुछ खत्म करके एक नई शुरुआत करते, वैसे उस बच्चे में काफी मत है जो तुम्हें देखकर भागा नहीं, तुम्हें उसकी फीलिंग्स की कदर करनी चाहिए। और ये सब सुनकर गारो को तो गुस्सा आ जाता और वो साइतामा के पास अटैक करने जाता और साइतामा गारो को पंच मारता, लेकिन गारो उसे ब्लॉक कर लेता और साइतामा के फेस पर पहले चॉप उसके बाद पंच और लास्ट में अपनी एल्बो से अटैक कर डालता है, लेकिन साइतामा गारो का हाथ ही पकड़ लेता और गारो दूसरे हाथ से पंच मारता, लेकिन साइतामा पीछे हट जाता और गारो के दोनों हाथ फंस जाते और साइतामा उन्हें मोड़ डालता, लेकिन गारो अपना पावरफुल पंच मारकर साइतामा को जमीन पर गिरा डालता और बहुत सारे गॉड स्लेयर इंस्टेंट अटैक यूज करता, लेकिन अचानक साइतामा गारो के पीछे जमीन से बाहर निकलता है और बोलता है ये तुम किस तरह से हिल डुल रहे हो, मेरा एक भी पंच नहीं लग रहा तुम्हें, क्या ये भी तुम्हारे मार्शल आर्ट का पार्ट है। और गारो की तरफ एक पत्थर फेंकता और गारो उसे डिस्ट्रॉय कर डालता और बोलता ये अल्टीमेट मार्शल आर्ट टेक्निक है, खुद को खुशकिस्मत समझो जो मैं तुम्हें ये सब दिखा रहा हूं। और गारो और भी ज्यादा अटैक्स करने लगता है, लेकिन साइतामा सबसे बच रहा होता, तो गारो सोचता ये बेवकूफ अपने रिफ्लेक्सेस और स्पीड की वजह से मेरे हर कॉम्बो अटैक से बच रहा है, लेकिन इसकी टेक्निक बिल्कुल नौसिखिया की तरह है जिसकी वजह से इसका डिफेंस पूरी तरह से खुला पड़ा है जिसका मैं फायदा उठा सकता हूं। और बोलता तुम्हारे हारने की एक ही वजह होगी कि तुम्हारे पास कोई भी टेक्निक नहीं है, मैं हर बार तुम्हारी अगली चाल का पता लगा लेता हूं और उसी को ध्यान रख के मैं अपनी चाल चलता हूं, मैं तुम्हारे सारे अटैक्स पढ़ सकता हूं। और गारो अपना गॉड स्लेयर एसेंडिंग अटैक यूज करके साइतामा को किक मारता और साइतामा बहुत दूर जाकर एक बिल्डिंग से टकरा जाता और अटैक के फोर्स कारण वो बिल्डिंग उड़कर पीछे की दो और बिल्डिंग से टकरा जाती है। तभी गारो भी बहुत स्पीड में बिल्डिंग के पास आता और अपना ग्रेट फाजिन अटैक यूज करता है जिसके कारण वो तीनों बिल्डिंग ब्लास्ट हो जाती है और वहां पर पूरी धूल धूल हो जाती है। उसके बाद गारो बोलता इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी हड्डी और मांस कितने मजबूत है, लेकिन ऐसा कोई भी तरीका नहीं है जिससे शरीर के अंदरूनी हिस्सों को मजबूत कर सके, और ऐसे अटैक से तो इस बीस्ट की भी हड्डियों का चूरमा बन चुका होगा, अब दोबारा ये हीरो का काम नहीं कर पाएगा। लेकिन अचानक धुएं में से साइतामा बाहर निकलता और गारो पूरा शॉक हो जाता है। तभी जमीन के नीचे से कुछ लोग बाहर निकलते और बोलते हम लोग बच गए। तभी साइतामा बोलता तुम जमीन के नीचे क्या कर रहे थे। तो एक आदमी बोलता ओ हीरो हम लोग अंडरग्राउंड शेल्टर के स्टाफ मेंबर्स हैं, जब इमरजेंसी अलार्म बजा तो हम लोग ये चेक करने चले गए थे कि कोई वहां पर फंस तो नहीं गया, लेकिन अचानक हम ही फंस गए और वहां पर पूरा अंधेरा था और कोई सिग्नल भी नहीं आ रहा था जिससे हम किसी से कांटेक्ट कर पाए। तो साइतामा बोलता ओ मुझे लगता है बिल्डिंग के धमाके की वजह से तुम्हारा गेट खुल गया। तो वो लोग बोलते हमें पता नहीं तुम्हारा कैसे शुक्रिया करें। तो साइतामा बोलता मुझे शुक्रिया मत बोलो, ये सब इसने किया। और वो लोग गारो को देखकर डर जाते, फिर भी वो सब लोग शुक्रिया बोलते और वहां से चले जाते। तो साइतामा बोलता जितना जल्दी हो सके इस जगह से दूर चले जाओ, और गारो अपना मुंह मोड़ लेता। तभी साइतामा ताना मारकर बोलता सही में एब्सोल्यूट एविल लोगों की जान बचाने में माहिर तो है, शायद इसे ही कहते हैं द अल्टीमेट मार्शल आर्ट। तो गारो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता और बोलता मजाक बंद करो, और वो साइतामा पर और भी अटैक करने लगता। अगले पैनल में हम एक वोल्केनो को देखते जिसमें से लावा निकल रहा होता है। तभी एक मेंबर बोलता
क्या सभी लोगों ने उस जगह को खाली कर दिया? तो दूसरा मेंबर बोलता, शायद कुछ बूढ़े लोग अभी भी बचे हैं। तभी एक आदमी बोलता, देखो लावा इसी तरफ आ रहा है, वो पूरी सिटी में फैल जाएगा। तो एक बच्चा बोलता, क्या हमारा घर भी खत्म हो जाएगा? तो उसका पापा बोलता, चिंता मत करो, जब तक हम जिंदा हैं तो एक नई शुरुआत कर लेंगे। तभी एक मेंबर बोलता, अरे वो देखो वॉल्केनो के पीछे कुछ चमक रहा है, क्या ये वॉल्केनो के धमाके? नहीं, शायद कोई बड़ा भूकंप आने वाला और गारो और भी ज्यादा मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और साइतामा पर अटैक करते रहता है। तो साइतामा बोलता, ओ तुम तो थोड़े और पावरफुल हो गए हो। तो गारो बोलता, ये तुम्हें थोड़ा लगता है, और साइतामा को पंच मारकर वॉल्केनो के ऊपर गिरा डालता। और गारो बोलता, इसके बारे में क्या ख्याल है? और वो साइतामा पर बहुत सारे अटैक करने लगता और उन अटैक के शॉक के कारण पीछे से पूरा वॉल्केनो टूट जाता है और लावा दूसरी तरफ बहने लगता है। तो एक आदमी बोलता, वो देखो माउंटेन टूट गया है और सारा लावा दूसरी तरफ बह रहा है, और सब लोग खुश हो जाते हैं। तभी साइतामा गारो को एक पंच मारता है और गारो सोचता, इतना सब करने पर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अगर मेरे अटैक से इसके पीछे वाली चीज टूट गई मतलब ये बंदा उस चीज से भी मजबूत है, इसका मतलब ये इस पहाड़ से भी ज्यादा मजबूत है। तभी साइतामा लोगों को खुश देखता है और बोलता, पूरी बात यह है कि तुम कोशिश भी नहीं करते लेकिन फिर भी तुमसे सब काम अच्छे होते हैं, तुम तो मुझे किंग की याद दिलाते हो, तुम्हारे अंदर हीरो बनने की काफी अच्छी स्किल है। अगले पैनल में हम सपोर्ट टीम को देखते हैं जो बोट में बैठी होती है। तभी लाइटनिंग मैक्स बोलता, हमें टेरियो को ढूंढना ही होगा, तो कोई भी चल सकता हो तो मेरे साथ चलो। तभी वगान में चिल्ला डालता है और वहां पर एक डेड बॉडी पड़ी होती है। तो सेकिंगार बोलता, लगता है ये कोई बदकिस्मत था जो टाइम से बाहर नहीं निकल पाया। तो लाइटनिंग मैक्स बोलता, बेचारा, भगवान इसकी आत्मा को शांति दे। और जैसे ही वो लोग उस बॉडी को पलटते हैं तो वो पिगोड निकलता जिंदा। अगले पैनल में हम वापस गारो को देखते हैं जो और भी ज्यादा पंची से साइतामा पर अटैक कर रहा होता है, और साइतामा उन सबसे बचकर बोलता, क्या बात है, तुमने ये नई कलाकारी कहाँ से सीखी? तो गारो सोचता, क्या मुझे एब्सोल्यूट एविल नहीं बनना चाहिए? तभी साइतामा एक हाथ से सारे अटैक्स रोक लेता और बोलता, अब हार भी मान लो, बहुत हो गया। और गारो ये देखकर शॉक हो जाता और सोचता, सिर्फ एक हाथ से नहीं, मैं एब्सोल्यूट एविल बन के ही रहूंगा, मैं अपने इस गुस्से को तब तक नहीं भूलूंगा जब तक पूरी ह्यूमिनिटी वो दर्द ना सहले जो मैंने सहे, अब तक जो तैयारी मैंने की है वो सब पानी में बह रही है। और यही सोचकर मुझे गुस्सा आ रहा, और गारो साइतामा को नीचे की तरफ फेंकने लगता और सोचता, और ये मेरे इसी गुस्से का मजाक उड़ाने में लगा है, लेकिन अब इसका बहुत हुआ। और गारो साइतामा को माउंटेन पर गिरा डालता है और अपना एक्सट्रीम फाजिन अटैक यूज करके उस माउंटेन के अंदर घुसा डालता है, और उस अटैक के शॉक वेव्स अर्थ के दूसरी तरफ तक पहुंच जाते हैं। और दूसरी तरफ बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनका प्लेन पानी में फंसा होता है। तो एक स्टूडेंट बोलता है, ये किस गधे का आइडिया था पिकनिक के लिए, और अभी तक कोई रेस्क्यू या हीरो टीम क्यों नहीं आया हमें बचाने के लिए? तभी वहां पर एक छोटी बोट आती है तो उनका टीचर पहले बैठ जाता है। तभी उन शॉक वेव्स के कारण पूरा एक झरना आता और उनका टीचर पानी में ही बह जाता है। उसके बाद एक अलग डायमेंशन दिखाते हैं तो कोई बोलता, अर्थ की मैग्नेटिक और ग्रेविटेशनल फील्ड दोनों पूरी तरह से हिल चुकी है, अगर ये शॉक वेव्स ऐसे ही चलते रहे तो डायमेंशनल सील में एक होल हो जाएगा, ये लोग इसे तोड़ डालेंगे, चलो जल्दी चलो हमें उसे टूटने से रोकना होगा। और गारो अभी भी साइतामा को नीचे की तरफ धकेल रहा होता और साइतामा पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। और तभी साइतामा अपने कंसेक्यूटिव नॉर्मल पंची से अटैक कर डालता है और वो दोनों भी उस खड्डे से बाहर निकल जाते हैं। तो गारो सोचता है, टेक्निक्स, स्पीड, पावर, क्रिएटिव अटैक्स कुछ काम नहीं आ रहा, तो कैसे मैं इस बंदे को हराऊं? जब उस बड़े मॉन्स्टर ने कहा था कि वो उन हाथों को खत्म करने आया है जिसने गॉड के सामने उठने की जरूरत की है, तब मुझे लगा वो मेरी बात कर रहा है, लेकिन मैं गलत था, वो जरूर इस बंदे की बात कर रहा था। और साइतामा गारो के फेस पर एक पंच मार देता और गारो दो तीन पहाड़ों को चीर कर सीधा पानी में गिरता है। और तभी वहां पर साइतामा भी आ जाता है और गारो सोचता, आखिर ये चीज क्या है, अगर अनफेयरनेस का कोई चेहरा होता तो वो बिल्कुल इसके जैसा होता। और गारो वापस खड़ा होता और सोचता, मैं अपने आप को इसके सामने नहीं हारने दे सकता। और गारो वापस साइतामा पर अटैक करता और एक आवाज आती है और साइतामा के पंच के कारण गारो हवा में उड़ने लगता और उसकी रियल बॉडी बाहर निकलने लगती है। और गारो सोचता है, तो अपने गोल के इतने पास पहुंचने के बाद मैं अनफेयरनेस के चेहरे से हार रहा हूं, क्या यहीं सब खत्म होने वाला है? तभी कोई बोलता, मैं तुम्हें सुन सकता हूँ। अगले पैनल में पूरी सपोर्ट टीम सरफेस पर होती है तो सेकिंगार बोलता, शुक्र है तुम सब लोग जिंदा हो। और लाइटनिंग मैक्स होता, इतने सारे लोग इसके पेट में कैसे आ गए? तभी मूवमेंट राइडर बोलता, टैंक टॉप मास्टर। तो टैंक टॉप मास्टर बोलता, मूवमेंट राइडर, और तुम लोग भी, क्या तुम लोग भी हॉस्पिटल से भाग कर आए हो? और सब लोग टैंक टॉप मास्टर को देखकर शॉक हो जाते हैं। तभी लाइटनिंग मैक्स बोलता, ओए एक बार उधर देखो।
बादलों के साथ कुछ अजीब हो रहा है और आसमान में एक बहुत बड़ा तूफान उठने लगता है। और तभी उसके अंदर से एक बहुत बड़ा पैर निकलता है और उसके तुरंत बाद एक और पैर निकलता है, लेकिन बाकी सब लोगों को उन बादलों में सिर्फ बिजली दिख रही होती है। तो साइतामा बोलता है, कितने अजीब बादल है। और वो पैर गारो के पास पहुंच जाते हैं और गारो की बॉडी हवा में उड़ने लगती है। तभी कोई बोलता गारो, तो गारो बोलता तुम कौन हो। तो वो चीज बोलती है, तुम्हारी जो एकदम मजबूत इच्छा थी वो खत्म होने के मोड़ पर आ चुकी है, वो भी सिर्फ एक हीरो के हाथों से। तो गारो बोलता चुप हो जाओ, क्या तुम मेरे हाथों से मरना चाहते हो। तो वो चीज बोलती है, सिर्फ एक ही हाथ है जो गॉड के खिलाफ उठ सकते हैं, तुम्हारे ख्याल से वो किसके हाथ हो सकते हैं। तो गारो बोलता तुम कहना क्या चाहते हो और तुम हो कौन, अपना चेहरा दिखाओ। और तभी गारो के पीछे से कोई बोलता, देखो मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करने आया हूँ, ऐसा कोई भी मास्टर नहीं होगा जो चुपचाप बैठकर अपने स्टूडेंट को हारते हुए देखे। और गारो बैंक को देखता है तो चीज बोलती है, लो थाम लो मेरा हाथ। और गारो अपने हाथ को बढ़ाने लगता और उसके सामने एक बहुत बड़ा बॉल होता है। और साइतामा अभी बादलों को देख रहा होता और बोलता कुछ तो आ रहा है। और तभी आसमान से कुछ आकर गिरता है। तो साइतामा बोलता गारो ये क्या, तुमने इतनी जल्दी कॉस्ट्यूम ही बदल ली। और एक मिनट, और साइतामा अपनी आंखों को साफ करने लगता और गारो का फेस पूरी तरह से गायब हो चुका होता और उसकी बॉडी में पूरी गैलेक्सी जैसा दिख रहा होता। तो साइतामा बोलता गारो ये तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ। तो गारो बोलता जो हाथ गॉड के खिलाफ उठ सकते हैं मेरे ख्याल से वो हाथ सिर्फ गॉड के ही हो सकते हैं। तो साइतामा बोलता ये तुम किस तरह की बहकी बहकी बातें कर रहे हो। और गारो अपनी फाइटिंग पोजीशन ले लेता और इसके इस ट्रांसफॉर्मेशन का नाम होता अवेकन गारो कॉस्मिक फियर मोड। तो दोस्तों ये वीडियो यही खत्म होता है, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया। और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट तो जरूर करना और मन मर्जी हो तो शेयर भी कर देना। और प्लीज यार नए हो तो सब्सक्राइब तो करो, ठोक दो उस बटन को। चलो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए भाई लोग मजे ही करते रहो।